बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे की रेसिपी, तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1.5 किलो हमने कीमा लिया है, 5 अदद प्याज लिए हैं, ये थोम अदरक लिया है, 1 अदद टमाटर, काली मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची, पहले चूल्हा जला लेते हैं। पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, जिससे अच्छे तरीके से गल जाए। प्याज हमने काट लिए, प्याज भी इसमें ऐड करेंगे। टमाटर भी ऐड कर लेंगे। टमाटर भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्ची के, 1/2 चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे, 5 मिनट के बाद चम्मच हिलाएंगे। 5 मिनट के बाद हम चम्मच हिला रहे हैं। पानी इतना होना चाहिए कि आपका जो कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसमें घी भी ऐड कर देंगे। दो चम्मच घी भी ऐड करेंगे। आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, अच्छे तरीके से गल जाए। पानी हमारा बिल्कुल कम रह चुका है, कीमा भी हमारा गल चुका है, तो 5 मिनट के लिए फिर ढक के रखेंगे कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा है। काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, जैसी के मुताबिक ज़्यादा नहीं। हरी मिर्ची भी डाल देंगे। गरम मसाला थोड़ा सा जैसी के मुताबिक डाल देंगे। एक से 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। हरी मिर्ची हमारी थोड़ी सी अच्छे तरीके से डाल दें। हमने भून लिया है।
कीमा कैसा बना है? कीमा कैसा कैसा बना है बताओ ना, कीमा कैसा बना है बताओ। वेरी गुड। देखो हम बंद कर देते हैं। रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है।